साहस सरोकार। योगी कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। द केरला स्टोरी फिल्म की होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। बदायूं में बीजेपी प्रत्याशी की पत्नी को नहीं डालने दिया गया वोट, पीठासीन अधिकारी पर वोट नहीं डालने देने का आरोप। उत्तर रेलवे के महानिदेशक पहुंचे सहारनपुर, रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रयागराज में एसडीएम से दरोगा ने की भ्रष्टाचार की शिकायत, शिकायत करते हुए ऑडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। महानिदेशक स्कूल शिक्षा पहुंचे हरदोई, स्कूलों का किया निरीक्षण, गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। योगी कैबिनेट की आज बैठक होगी, बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पूरे मंत्रिमंडल के साथ द केरल स्टोरी फिल्म देखेंगे। इस फिल्म के निर्माता विपुल शाह, निर्देशक सुदीप्तो सेन, अभिनेत्री अदा शर्मा आदि भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इससे पूर्व कैबिनेट में फिल्म को टैक्स फ्री करने का फैसला भी किया जाएगा। फिल्म द केरल स्टोरी के निर्माता निर्देशक की टीम ने मुख्यमंत्री से बुधवार को मुलाकात की थी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी, साथ ही कैबिनेट के साथ फिल्म देखने का फैसला किया था। यह फिल्म केरल में बड़े पैमाने पर हिंदू महिलाओं के धर्मांतरण और उन्हें आतंकी गतिविधियों में संलिप्त किए जाने पर आधारित है। फिल्म की टीम ने मुख्यमंत्री से बुधवार को मिलकर चर्चा भी की थी, साथ योगी सरकार के लव जिहाद व धर्मांतरण को रोकने को लेकर बने कानून और कार्रवाइयों की सराहना की थी। तो योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी, निकाय चुनावों के बाद आज ये अहम बैठक मानी जा रही है। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बदायूं के उस हैत में भाजपा प्रत्याशी की पत्नी को वोट नहीं डालने दिया गया, पीठासीन अधिकारी पर वोट नहीं डालने देने का आरोप लगा है। साथ ही फर्जी तरीके से मतदान कराने का भी आरोप लगाया गया है, जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों ने रोड जाम किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों ने दोबारा मतदान की मांग की। वहीं बूथ पर अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है। भाजपा समर्थकों ने बूथ को चारों तरफ से घेरा हुआ है और रोड जाम किया हुआ है। अभी तक पोलिंग पार्टियों को रवाना नहीं होने दिया गया है। बदायूं के उस हैत नगर पंचायत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हरदोई में महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने जिले का दौरा किया। इस दौरान स्कूलों में गड़बड़ी पकड़े जाने पर पिहानी और हरियावा बीओ को निलंबित करने के निर्देश दिए, साथ ही बकाया भुगतान की शिकायतों पर विजिलेंस से जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि महानिदेशक शिक्षा ने जिले में करीब 10 घंटे रुककर शिक्षा व्यवस्था की हकीकत परखी है। इसके अलावा उन्होंने संडीला तहसील के जूनियर हाई स्कूल, तिलोया किला, राजकीय इंटर कॉलेज बेगमगंज और अन्य विद्यालयों का जायजा लिया है। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन के अफसरों को व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए हैं। उत्तर रेलवे के महानिदेशक शोभन चौधरी ने सहारनपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, साथ ही निरंतर रूप से चल रहे रेलवे के विकास कार्यों पर पूरी रिपोर्ट मांगी। वहीं इस दौरान सहारनपुर रेलवे के आला अधिकारी सहित अंबाला डिवीजन के DRM मनदीप सिंह भाटिया भी मौजूद रहे। नॉर्मली तो हम लोग का वर्किंग वो है, मेथड है, गाड़ियाँ चल रही है, निरीक्षण करना काम है, प्रॉपर अनुरक्षण प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, सब चीज़ सिस्टम से चल रहा है कि नहीं, स्टाफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब तो नॉर्मल रूटीन काम है। ये देखने हर समय कुछ मिलेगा ये नहीं होता है, नॉर्मल चीज़ें देखी जाती है। सहारनपुर को क्या मिलने वाला है, कुछ नया है? सहारनपुर का भी बहुत साफ काम करा रहे हैं, आपको मालूम होगा, स्टेशन बिल्डिंग का फसाद का पूरा इम्प्रूवमेंट होगा, फिर उस तरफ भी नई बिल्डिंग बनेगी,
काफ़ी प्लान है, काफ़ी कार्यों की स्वीकृति भी मिल चुकी है, अभी टेंडरिंग करके काम शुरू करना है। मेरे को पूरा भरोसा अगले एक दो महीने में काम शुरू भी हो जाएगा, आपको 6-7 महीने में काम होता दिखेगा, कंप्लीट होने में तो शायद थोड़ा टाइम लगेगा कि आपको। प्रयागराज के घूरपुर थाना के एक सब इंस्पेक्टर के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ एसडीएम से शिकायत की गई। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर सुना जा सकता है कि सब इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह एसडीएम से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, जो जनमानस में चर्चा का विषय बन रहा है। हालांकि यह ऑडियो जाँच का विषय है। सर, सब इंस्पेक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह थाना घूरपुर से बोल रहा हूँ। मैंने सर ये खनन इंस्पेक्टर साहब से एक दिन बात करी थी कि यहाँ अवैध खनन के बगैर रवाना की गाड़ियाँ चलती, जिसमें पुलिस के कुछ लोग मिले हुए हैं थाना अध्यक्ष स्तर के चौकी इंचार्ज तक। हमें भ्रष्टाचार का विरोध करता रहता हूँ सर हर वक्त। आप कौन बोल रहे हैं? थाना घूरपुर सर। नहीं, आप बोल बोल रहे हैं? जी सर, सब इंस्पेक्टर पद से हूँ और यहाँ 4 बजे रात से साहब अवैध गाड़ियाँ निकलाई जाती है, जिसमें थाने की पुलिस मिली हुई है। और खनन इंस्पेक्टर से मैंने बात किया कि अरे सर इंस्पेक्टर कौन बोल रहे हो आप? राजेंद्र प्रताप सिंह सर। राजेंद्र प्रताप सिंह जी सर, बताता हूँ। जी सर, हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र के मुरली कठेरिया गांव में तेंदुआ देखा गया है। वहीं तेंदुओं के हमले से 2 लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। बता दें कि दोनों किसान पीपरमिंट की रखवाली कर रहे थे, तभी तेंदुओं ने हमला बोल दिया। ग्रामीणों के जमा होने पर तेंदुआ भूसा के बंगले में बैठ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को CHC में भर्ती कराया। इस घटना से गाँव में दहशत का माहौल है। वही घटना के बाद गाँव वालों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वन विभाग के कर्मियों को जंगली जानवर होने की सूचना दी। मौके पर पहुंचे वन कर्मी कॉम्बिंग कर जंगली जानवर को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इस घटना से इलाके में दहशत व्याप्त है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।